आसू इंटर कॉलेज में पढ़ता था। उसी गांव की सविता नाम की लड़की नलिहान में रहकर पढ़ती थी। दोनों एक जाति धर्म के थे। धीरे धीरे दोनों में असीम प्यार हो गया। एक दिन दोनों घर वालों एवं समाज के डर से बंबई चले गए। आसू अपने चाचा के पास दोनों रहने लगे। इधर गांव में लड़की का मामा थाने में अपहरण का FIR दर्ज करा दिया लेन देन करके। अब दोनों की खोज शुरू हो गई। अब पुलिस आसू के घर पर कहर बरसाने लगा। सामान तोड़ फोड़ डाले। रात भर थाने में बैठाए गए। जब रुपया दिए तब थाने से छोड़ा गया। इस परेशानी को सुनकर सालू का चाचा सालू सविता को घर भेज दिया। रास्ते में पुलिस पकड़ ली। सविता को उसके मामा के घर छोड़ दिया गया। सालू जेल चला गया। मुकदमा चालू हो गया। सविता का मामा सविता की शादी जबरदस्ती एक अधेड़ व्यक्ति से कर दिया। एक दिन सविता छत से कूदकर जान दे दी। उधर सालू ननिहाल चला गया। वहां उसका नाना रिमांड में काम दिला दिया। वहीं से मुकदमा देखने लगा। एक ईमानदार जज आया। वह मुकदमा फैसला कर दिया। आसू बरी कर दिया गया। अब आसू दूर चला गया। रिमांड में काम करने लगा। वहां कार्यरत एक लड़की से दोस्ती हो गई। लड़की दूसरे जाति धर्म की थी। धीरे धीरे लड़के लड़की के पिता को पता चला। लड़की के पिता ने दोनों की शादी कर दिया। अब सवाल आता है कि एक जब दोनों एक ही जाति धर्म के थे तो समाज के डर के कारण शादी नहीं होने दिए। दूसरा जब दोनों की शादी नहीं हुई तो एक को जान दे देना पड़ा। तीसरा जब दोनों दो जाति धर्म के थे तो यहाँ लड़की के घर वालों की बुद्धिमानी से शादी हो गई। लाइक कमेंट करके बताए इस ऑप्शन में मानवता कहाँ ज़्यादा है। सत्य में हो जाते हैं।